नमस्ते दोस्तों, आज हम मलाई सैंडविच बनाने जा रहे हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए फटाफट से इसे हम बनाते हैं। सबसे पहले हमें ले लेना है 1.5 लीटर जितना गाय का दूध। इसे हमें अच्छी तरह से उबलने देना है। हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब ले लेना है 2 टेबलस्पून जितना पानी, साथ ही उसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून जितना लेमन जूस यानी कि नींबू का रस, और इसे एक एक चम्मच करते हुए डालते जाएंगे और फिर से करछी को हिलाते जाएंगे। ये स्टेज पर आप गैस की फ्लेम फास्ट रखनी है। बस इसी प्रकार हम इसे चलाते जाएंगे और नींबू का रस डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से फट चुका है, तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तब तक एक पतीला ले लेंगे, उसके ऊपर छलनी रख देनी है और उसके ऊपर रख देना है कपड़ा। अब डाल देना है पनीर, साथ ही डाल देंगे 200 ml जितना ठंडा पानी। अब इस मसलिन क्लॉथ के हम चारों किनारे पकड़ लेंगे और इसे अच्छे से घुमा लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। फिर इसे हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथ से बस घुमा के रख देंगे और इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इसका क्रीम बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क यानी कि भैंस का दूध ही लिया हुआ है ताकि जो हमारा क्रीम है वो जल्दी से उबल कर हम इसकी मलाई सैंडविच के अंदर की फिलिंग बना सके। अब इसमें डाल देंगे चुटकी भर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से हमारा जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी, इसीलिए हम ये बेकिंग सोडा इसमें डाल रहे हैं। साथ ही डाल देने हैं कुछ केसर के धागे और 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर चीनी ले ली है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। बस अब हम इसे चलाते जाएंगे जब तक कि इसकी क्वांटिटी आधी ना हो जाए। अब इसमें डाल देना है 2 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर, साथ ही 2 टेबलस्पून दूध में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। एक बार अच्छे से चला लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर नीचे चिपके नहीं, और उसे भी हम दूध में मिला लेते हैं। और अब हमें बस चलाते जाना है जब तक कि इसकी क्वांटिटी आधी ना हो जाए। आप देख सकते हैं 15 मिनट के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और बस 25 मिनट के अराउंड ये बनके तैयार है दोस्तों। तो हम इसे ऐसे ही रख देंगे और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। मलाई सैंडविच की चाशनी बनाने के लिए हम ले लेंगे 1 कप चीनी, साथ ही डाल देना है 3 कप जितना पानी, और इसे हम गैस की फ्लेम पर रख देंगे ताकि इसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाए। तब तक हम ले लेते हैं पनीर, इसे हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये एकदम ही ड्राई हो चुका है और एक अच्छा सा गोला बनके तैयार है। तो इसे हम और ज़्यादा ड्राई कर लेते हैं, तो इसके लिए कोई भी एक जाड़ा टॉवल ले लीजिएगा और इसके ऊपर दिखाए गए तरीके से प्रेस कर लीजिएगा। ये करने से जो भी पनीर में एक्स्ट्रा वाटर है वो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा और इससे हमें बहुत ही अच्छा पनीर मिल जाएगा। अब हम इसमें डाल देते हैं 1.5 कप जितनी चीनी। चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। इसे सबसे पहले हम बहुत अच्छे से मसल लेंगे। आप इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मसलिएगा ताकि इसका बहुत ही अच्छा स्मूथ डो बनके तैयार हो सके। अब आप देख सकते हैं साथ में इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब है हमारा जो बैटर है वो बनके तैयार है दोस्तों। तो हम इसे एक साइड में कर लेते हैं। अब दिखाए गए तरीके से हम एक लुई तोड़ लेंगे और इसे अच्छे से पहले राउंड कर लेंगे, फिर इसे हमें चपटा कर लेना है। और चपटा करने के बाद दिखाए गए तरीके से पहले साइड से दबा लेंगे और फिर अपोजिट साइड से दबा लेंगे और ऊपर की साइड से भी। इससे हमें बहुत ही अच्छा स्क्वायर शेप मिल जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्रैक्स नहीं होने चाहिए दोस्तों। अगर क्रैक्स है तो वो आप कवर कर लीजिएगा।
बस इसी प्रकार हमें बाकी के भी सारे बना के रेडी कर लेने हैं। मैंने यहाँ पर 5 से 7 ही बना के रेडी कर लिए हैं, क्योंकि जब आप इसे कुकर में डालेंगे तो आपको इसकी क्वांटिटी इतनी ही रखनी है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम ये 6 डाल देते हैं, बाकी के 6 मैं इसे कढ़ाई में बनाना भी बता रही हूँ आपको। इसे हमें कुकर में डाल देना है और कुकर को बंद करके हाई फ्लेम पर 2 सीटी ले लेनी है और दूसरा बैच हम डाल देंगे कढ़ाई में और इसे भी हम ढक्कन लगा लेंगे और 10 से 12 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पर पकने देंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से फूल चुके हैं और इसकी जो साइज़ है वो भी डबल हो चुकी है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और आधे घंटे के लिए लिड को खोलना नहीं है दोस्तों। कुकर हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है दोस्तों, तो हम ढक्कन को ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मलाई सैंडविच कितनी अच्छी दिख रही है। बस इसी प्रकार 2 चम्मच की सहायता से हमें एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकाल लेना है। चलिए एक मैं पास से आपको बता देती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। इसी प्रकार बाकी के सारे भी हम एक्स्ट्रा पानी निकाल लेते हैं और एक डिश में ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा भी हमें इसे नहीं दबाना है दोस्तों, बस हल्के हाथों से हम इसे कर लेंगे। इसे हम रेफ्रिजरेट कर लेंगे आधे घंटे के लिए, ताकि जो हमारे बॉल्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं। अब दिखाए गए तरीके से हम इसमें बीच में से चक्कू लगा लेंगे और इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अगर आप इसे फ्रिज में सेट नहीं करते हैं तो बहुत ही ध्यान से कट करना रहता है दोस्तों। फ्रिज में सेट होने के बाद ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, तो इसे कट करने में आसानी होती है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी जाली हमारी बनके तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। हमारी जो क्रीम है वो भी रेडी है। तो बस इसी प्रकार मलाई सैंडविच के बीच में क्रीम लगा लेनी है और इसे ऊपर से कवर कर लेना है। हल्के से हम इसे प्रेस कर लेंगे ताकि जो क्रीम है वो अच्छे से फैल जाए। बस इसी प्रकार हमें सारे हमारे बना के रेडी कर लेने हैं और हमारी यम्मी मलाई सैंडविच जो घर पर बनाई है और बहुत ही हेल्दी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है वो बनके तैयार है दोस्तों। तो इस रक्षाबंधन के मौके पर आप अपने भाइयों को ये बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलेंगे दोबारा नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।